न गंदगी करूंगा न गंदगी करने दूंगा। अगर गंदगी से देश को मुक्ति दिलानी है तो फिर हमें तय करना होगा हम गंदगी नहीं करेंगे। एक पाउच देना, चिप्स देना, कचौरी देना भैया, संतरे देना भैया, अध्यक्ष जी नमस्ते। अध्यक्ष जी हाँ हाँ नमस्कार नमस्कार। ये सब क्या है, क्या हो रहा है, ये क्या स्थिति है? आप युवा हो, शिक्षित हो, अच्छे परिवार से लग रहे हो, लेकिन ये जो गंदगी आप कर रहे हो ये क्या है? भैया ये सब क्या हो रहा है, क्या है नीचे? दीदी ये सब तो कचरा पड़ा है, थोड़े साइड में से चलते। रुक जा बेटा, तू अंधी बच्ची है, तुझे ये कचरा नजर आ रहा है और इन आंख वालों को ये कचरा नजर नहीं आ रहा है। अब ये कचरा मैं उठाऊंगा। नगर परिषद अध्यक्ष आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो मूवी आपने देखी है इसमें नगर को साफ स्वच्छ हमको कैसे रखना है वो बताया गया है। हमें हमारे कर्तव्य और हमारी जिम्मेदारी को इसमें दर्शाया गया है, उसका हमें निर्वहन करना है, उसका पालन करना है। तो निश्चित रूप से स्वच्छ विक्रोता होगा, हमारा प्रदेश स्वच्छ होगा और भारत पूरी तरह से गंदगी मुक्त होगा। ये सपना जो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है वो सपना आप सबके सहयोग और आप सबके अथक प्रयास से निश्चित रूप से सफल होगा, साकार होगा। हर गली अब उन्नति की आ जाएगी।
भाषा की आंगन आंगन गाएगी गाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। नगर परिषद द्वारा एक शॉर्ट मूवी बनाई गई है जिसका नाम है मन की बात, जिसके निर्माता है श्री गणेश जी मालवी। और नगर परिषद द्वारा बनाई गई ये मूवी है जिसमें जन जन तक यह संदेश पहुंचाना है, जिसमें एक अंधी लड़की भी स्वच्छता के बारे में इतनी जागरूक है। हम तो फिर भी आंख वाले हैं, हमको इस मूवी को ज्यादा से ज्यादा देखना है और जन जन तक यह संदेश पहुंचाना है कि माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी का ने जो स्वच्छ भारत का यह अभियान चलाया है उसे हमें साकार करना है। मूवी को के सभी निर्माताओं को धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो पहल की है उस पहल में पूरी तरह सार्थक हो। धन्यवाद।